अगर आप मेरी तरह उमरा वीज़ा पर आए हो और किसी टूर ऑपरेटर के बिना आए हो, पर्सनल आए हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू यहाँ पर हो सकता है। और स्पेशली जब आप मक्का से मदीना जा रहे हो तब आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जाने का चूज करते हो तो ट्रेन आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन है और बहुत स्पीड में जाती है और 2 घंटे में आपको पहुंचा देती है। और अगर आप टैक्सी लेने का सोचते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेंगे, क्योंकि 400 किलोमीटर है मक्का से मदीना का डिस्टेंस। तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है और जो कि बहुत सस्ता ऑप्शन है, और वो है साप्टको की बस सर्विस। साप्टको दरअसल सऊदी अरेबियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जैसे कि हमारे इंडिया में MSRTC और HRCTC रहता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट रहता है, तो वैसा यहाँ पर गवर्नमेंट की बसेस है। तो साप्टको का बस स्टॉप हरम को लगकर ही आपको मिलेगा, उसके बाजू में ही है। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, आपको सिर्फ आपको गूगल मैप ओपन करना है और आपको आपका करंट लोकेशन, अगर आप हरम में है, जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वहां पर आपको साप्टको बस स्टेशन डालना है और ये आपको टोटल डिस्टेंस बता देगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो वॉकिंग डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा बता रहा है, लेकिन आपको इतना ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट यूज करके आप साप्टको के बस स्टॉप पर पहुंच सकते हो, इतना ज्यादा आपको डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप जैसे कि देख सकते हो ये एकदम हरम को लगकर ही बस स्टॉप है, लेकिन आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। जब आप हरम से साप्टको के बस स्टेशन की तरफ जाते हैं तो आपको बीच में एक टेंट दिखेगा जहां पे आपको पानी और खजूरे फ्री में मिलेगी, तो आप वहां से जरूर ले लेना और आप फिर बस स्टेशन की तरफ रवाना हो सकते हो। बस स्टेशन पहुंच के आपको ऐसे एक विंडो दिखेगी, टिकट सेल विंडो दिखेगी, यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो और आप टिकट भी यहां से खरीद सकते हो। तो मैं आपको बता दूं 76 रियाल पर पर्सन है मक्का से मदीने का टिकट, जो कि अराउंड आपको 2500 रुपीस पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहां से टिकट खरीदते हो आपका जो टिकट है वो आपके मैसेज में आ जाएगा, और अगर आप सऊदी अरेबिया का फोन यूज वहां का नंबर यूज कर रहे हो तो आपको वो जरूरी है वहां का नंबर यूज करना, क्योंकि उसी पर आपको मैसेज आएगा। और आपको जैसे यहां पे लिंक दिख रही है, अगर आप वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी, तो उसमें आपकी पूरी टिकट इन्फॉर्मेशन रहेगी। और आप जो ये जो बस देख रहे हैं यही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है जो कि आपको मक्का से मदीना ले जाएगी। और एक बार आपने टिकट ले लिया तो यहाँ पर वेटिंग एरिया रहता है, ये मेन का वेटिंग एरिया है और ये वुमेन का वेटिंग एरिया है। और बस के स्पेसिफिक टाइमिंग्स दिए गए हैं, जो कि मैंने 10:30 AM का टाइमिंग लिया था, और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको आपकी बस मिल जाएगी। आपका सामान चेक इन करना पड़ेगा, जैसे आप फ्लाइट में चेक इन करते हैं टैग वगैरह लगा के, वैसे ही आपको टैग्स मिलेंगे जो कि आपको आपके आपके लगेज पर स्टिक करना है। बस हमारे जैसे इंडिया में नॉर्मल बस रहते हैं वैसे ही है, AC बसेस है, सामने ट्रे भी रहेगी जिसमें आप खाने पीने की चीजें रखकर आप खाना खा सकते हो, और काफी कंफर्टेबल बस मेरे को लगी है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये टाइमिंग बहुत ज्यादा लेती है, 400 किलोमीटर है मक्का से मदीना का डिस्टेंस, जिसको ये 7 से 7.5 घंटे लेती है कवर करने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।